जी हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। सो गाइस, अक्सर आप लोगों ने हमारी वीडियो के अंदर कीबोर्ड के साथ साथ इस बॉक्स को भी जरूर देखा होगा जिसका नाम है बी8 प्लस साउंड कार्ड। करीब आज से एक या डेढ़ साल पहले हमने इसको खरीदा था और तब हमने इसके बहुत सारे वीडियो जो है रिव्यू के ऊपर दिए थे, लेकिन कहते हैं कि धीरे धीरे यूज़ करने पर भी काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं और इसके अंदर कुछ एक बहुत ही कमाल के फंक्शन हैं जो कि आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। काफ़ी लोगों ने इसके रिव्यू भी मांगे थे, जिसमें सबसे मेन फंक्शन के बारे में अगर बात करूँ तो वो है हमारा डज का फंक्शन, जो कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा यूज़फुल फंक्शन है। अब डज का मेन काम क्या है और ये हम लोगों के लिए क्यों यूज़फुल रहता है, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जितनी वीडियो रहती हैं वो सभी कीबोर्ड से रिलेटेड रहती हैं, जिसमें हमारे कीबोर्ड के साथ साथ हमारा साउंड भी रिकॉर्ड होता है। अब साउंड में और कीबोर्ड के साउंड में क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी भी आप जो मेरा साउंड सुन पा रहे हैं वो भी इसी से रिकॉर्ड हो रहा है, और सबसे खास बात यह है कि इसके द्वारा हम मोबाइल फ़ोन से डायरेक्ट अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में आपका जो कीबोर्ड का साउंड है वो भी इंटरनल साउंड रिकॉर्ड होता है। तो अभी आपको एक बार मैं कीबोर्ड का साउंड सुना देता हूँ। तो सेम तरीके से जो भी साउंड आ रहा है वो बिना एडिटिंग के आप लोग सुन पा रहे हैं। और इसमें जो डज का फंक्शन है वो क्या काम करता है, और इसका जो मेन यूज़ करने का तरीका वो भी आप लोगों को बताता हूँ। अभी मैं एक बार कीबोर्ड की जो रिदम है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, जैसे मैं बोलना स्टार्ट करूँगा ऑटोमेटिक जो कीबोर्ड का साउंड है वो कम हो रहा है, और जैसे मैं बोलना बंद करता हूँ तो जो कीबोर्ड का साउंड है वो अपने आप बढ़ के आ जाएगा। देखना, कोई हाथ नहीं लगा रहा हूँ। अभी मैंने अपने माइक का साउंड कम कर रखा है, लेकिन मैं इसको फुल कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, सो गाइस देखिए, जैसे मैंने बोलना स्टार्ट किया कीबोर्ड का साउंड जो है कम हो गया और मेरा साउंड आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है, लेकिन जैसे मैं बोलना बंद करूंगा फिर से जो कीबोर्ड की रिदम है वो आपको प्रॉपर तरीके से सुनना स्टार्ट हो जाएगी। फिर से हाथ हटा रहा हूँ। देखिए, मतलब ये बोलने के टाइम में ऑटोमेटिक ही जो इसका सेंसर है वो हमारे साउंड को प्रेफर कर देता है और कीबोर्ड के साउंड को बिल्कुल ही कम कर देता है, और ये अलग अलग तरीके से काम करता है। काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि जब हम इसको ऑन कर रहे हैं तब हमारा जो साउंड है प्रॉपर ही आ रहा है, लेकिन कीबोर्ड का साउंड टोटली बंद हो जाता है। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा साउंड भी आए और कीबोर्ड का साउंड भी धीरे धीरे सुनाई दे रहे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अपने जो माइक का साउंड है थोड़ा सा कम रखना है और कीबोर्ड का साउंड बढ़ाना है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आप बोलना स्टार्ट करोगे, देखिए फिर से, अभी मैं जैसे बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे कीबोर्ड का साउंड थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मैं जैसे थोड़ा सा दूर जाता हूँ तो मेरे कीबोर्ड का साउंड और ज़्यादा आएगा, तो मेरा साउंड भी नॉर्मल ही आएगा। अभी मैं हाथ ऊपर इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोग देख भी पाओ कि किस तरीके से जो साउंड है अप या डाउन जा रहा है, और सेम आप इसको बजाते टाइम भी कर सकते हो। जैसे मैं बोलना स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिक जो मेरे कीबोर्ड का साउंड है वो भी कम हो गया। और ये इसका सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला जो फंक्शन है मुझे लगा, क्योंकि डज के साथ ऐसा होता है कि हम एट ए टाइम अपने कीबोर्ड का साउंड या हमारे साउंड को अप या डाउन नहीं करना पड़ता, जो भी काम करेगा वो ये खुद से अपने सेंसर के साथ करता है, और यही इसका सबसे ज़्यादा कमाल का फंक्शन था। और अब आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहते हो, जैसे अभी हम बोल रहे हैं आप जो भी साउंड सुन रहे हैं वो बिना किसी एडिटिंग के डायरेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें कोई भी हमने इफेक्ट वगैरह नहीं लगाया। अब आप इसकी सेटिंग देखिए कि हमने किस प्रकार से रखी हुई है। जब आप माइक का यूज़ कर रहे हो साथ में कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हो तो अपने जो रिकॉर्ड और म्यूजिक का साउंड है वो फुल रखना है, साथ में मॉनिटर आपके कानों के हिसाब से जितना साउंड आप सुनना चाहते हो वो आप मॉनिटर से कीजिए। इसके अलावा जो आपका रिवर्ब का फंक्शन है इसको आपने उतना ही रखना है जितना कि आपको कंफर्टेबल लगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि रिकॉर्डिंग के टाइम में अपना रिवर्ब ज़्यादा दे देते हैं, इसलिए हेलो हेलो हेलो। अब रिवर्ब से क्या होता है कि आपका जो साउंड है फिर से एकदम से रिपीट होकर आता है, तो उस वजह से आपकी बोलने की जो साउंड सिस्टम है वो ख़राब हो जाती है। तो आपने इसको नॉर्मल रखना है कि आपका साउंड ज़्यादा डल में ना आए और ज़्यादा रिवर्ब में ना जाए। माइक का वॉल्यूम हमेशा अपने हिसाब से फुल रखना है। सो गाइज, आज आप लोगों ने डज के बारे में जान लिया। अगर आप डज में दोनों चीज़ को बैलेंस करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा माइक को अपने दूर कर दीजिए, आपको जो कीबोर्ड का साउंड है वो भी आता रहता है, जैसे कि अभी आप सुन पा रहे हैं।
कीबोर्ड का साउंड भी बैक साइड से आएगा। ये देखिए अभी मैंने थोड़ा कीबोर्ड का साउंड बढ़ाया और अभी आप मेरे साथ साथ कीबोर्ड का साउंड भी सुन पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप अपने फंक्शन का यूज़ करें। साउंड कार्ड के बारे में आपको कुछ और जानना हो, इसके अलावा इसमें एक इलेक्ट्रिक मोड मिलता है जो कि आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि भोजपुरी सॉन्ग जब गाते हैं तो उसमें आवाज़ में कुछ इफेक्ट डाला जाता है, सेम इफेक्ट आपको इसके अंदर मिलता है लेकिन उतनी हाई क्वालिटी का नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप उसका जो यूज़ है इस साउंड कार्ड के अंदर आसान तरीके से कर सकते हैं। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसके बारे में और क्या क्या जानना है, एक एक चीज़ें आप लोगों को इसके बारे में बताई जा सकती हैं। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में रिव्यू मांगे थे तो आप लोगों ने जान लिया। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए, बाय बाय।